चैनल। और आज आप लोगों को एज ए अकाउंटेंट क्या क्या वर्क करना पड़ता है और एज ए अकाउंट असिस्टेंट क्या क्या वर्क करना पड़ता है उस पर थोड़ा सा नॉलेज देने की कोशिश करेंगे ये वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जो एक अकाउंट असिस्टेंट का काम होता है उसमें आता है सेल्स परचेज रिलेटेड वर्क। पहले इसके बारे में बात करेंगे। या तो इसमें से कोई भी काम दिया जाता है या फिर ये सब करना पड़ता है अकाउंट असिस्टेंट को, जैसे कि मेकिंग प्रोफोमा इनवॉइसेस। प्रोफोमा इनवॉइस बनाना पड़ता है अगर किसी पार्टी से, मीन्स अप्रूव करवाना है अपना कोटेशन। एज ए कोटेशन ही होता है एक प्रोफोमा इनवॉइस, वहाँ से अप्रूवल आता है। तो हम लोग एक सेल्स इनवॉइस बनाते हैं। डिलीवरी चलान बनाना पड़ता है, सेल्स ऑर्डर बनाना पड़ता है, सेल्स इनवॉइस बनाना पड़ता है, सेल्स इनवॉइस के साथ ईवे बिल बनाना पड़ता है, फिर एक परचेज़ ऑर्डर बनाना पड़ता है अगर कुछ माल मंगाना है तो। समटाइम्स ये एक्सेल में करना पड़ता है या समटाइम्स ये टैली में भी करना पड़ता है। फिर कोटेशंस लेने पड़ते हैं मेल पे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको, कोटेशंस लेने पड़ते हैं। परचेज़ एंट्रीज करनी पड़ती है टैली में, फिर फाइलिंग ऑफ डिलीवरी चलान एंड परचेज़ इन्वॉइसेस, और सेल्स इन्वॉइस भी फाइल करने होते हैं। ईवे बिल्स भी जो भी हम बनाते हैं फाइल करने होते हैं, डिलीवरी चलान भी सेल्स बिल के पीछे अटैच करके फाइल करने होते हैं। तो एक क्लरिकल वर्क भी होता है एक अकाउंट असिस्टेंट का। और जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब जीएसटी रिलेटेड वर्क और बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना आना ही चाहिए, क्योंकि ये सब भी बहुत सारा काम होता है, क्लरिकल वर्क होता है। छोटे मोटे चलान्स, डिलीवरी चलान बनाना, परचेस ऑर्डर बनाना, प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाना, ये सब काम भी होते हैं। तो ये सब भी इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा हम लोग देखेंगे बैंक रिलेटेड वर्क होता है, इसमें चेक मेकिंग, चेक्स बनाना होता है। तो चेक्स बनाने होते हैं, फिर आरटीजीएस, बहुत सारी कंपनी में आरटीजीएस चल रहा है अभी भी, तो वो एक चेक के साथ में एक आरटीजीएस का फॉर्म होता है, वो भर के भेजना होता है बैंक में। दूसरा एक होता है एनईएफटी पेमेंट। एनईएफटी पेमेंट जो होता है वो डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो वो डायरेक्ट हमारी जो बैंक बैंक की वेबसाइट होती है जिसमें हमारी कंपनी का अकाउंट होता है। बहुत लोगों का सीसी अकाउंट होता है, तो बहुत लोगों का ऐसे ही नॉर्मल अकाउंट होता है, तो ज़्यादातर के लोग सीसी अकाउंट रखते हैं, करंट अकाउंट भी रखते हैं। तो ये कैश क्रेडिट अकाउंट होता है जो सीसी अकाउंट होता है। तो एनईएफटी पेमेंट वगैरह ज़्यादा लोग इसमें से बैंक में से करते हैं आजकल, तो एनईएफटी पेमेंट ही ज़्यादा चल रहा है वेंडर्स को करने में। फिर बैंक एंट्रीज और बैंक रिको जो होता है वो टैली में करना होता है। प्रोवाइडिंग स्टॉक स्टेटमेंट टू बैंक, ये मंथली होता है, और या तो जैसे आपके बैंक ने डिसाइड किया आपके साथ में। स्टॉक स्टेटमेंट जो होता है वो मंथली बेसिस पे मेरी कंपनी में जाता है, तो स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ता है एवरी मंथ 10 तारीख से पहले। डेटर्स क्रेडिटर्स लिस्ट, ये स्टॉक स्टेटमेंट के साथ देना होता है। तो ये भी एक थोड़ा सा ये हाई लेवल का हो गया, मीन्स एज ए अकाउंट असिस्टेंट अगर कोई नया नया लगता है तो ये सब काम ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक स्टेटमेंट और डेटर्स क्रेडिटर्स लिस्ट देना है। आपके ऊपर एक रहेगा सीनियर जो आपको गाइड करेगा, तो ये उतना स्ट्रेसफुल नहीं होगा एज ए न्यू अकाउंटेंट के लिए। तो ये तो जो सीनियर्स होते हैं वही कर लेते हैं, ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है, तो सीनियर्स ही करते ज़्यादा करके। तो इसमें आपको गाइडलाइंस मिल जाएगी धीरे धीरे, 2-3 महीने में आप इसमें भी ट्रेन हो जाओगे। फिर होता है डेटर्स क्रेडिटर्स अपडेट एंड रेगुलर एंट्रीज जो भी होती है, जैसे प्रोवाइडिंग एन अपडेटेड लिस्ट टू सुपीरियर ऑफ सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स फॉर मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट। ये एक हर कंपनी में होता है कि या विद इन 15 डेज और विद इन ए वीक, महीने में 2 बार या महीने में 4 बार, जैसे अभी होता है बहुत जगह पे 2 बार ही होता है। तो ये डेटर्स लिस्ट और क्रेडिटर लिस्ट अपडेट करके जो होता है वो बॉस लोग को देना पड़ता है, सीनियर और सुपीरियर्स को। डेटर्स और क्रेडिटर लिस्ट बहुत बार ये विद इन 15 डेज ले लेते हैं, तो ये टैली से बहुत लोग उठा के दे देते हैं एक्सेल में कन्वर्ट करके। ये इजी होता है अगर आपका बैंक एंट्रीज टाइम टू टाइम हो रहा है, बिल्स टाइम टू टाइम इंसर्ट हो रहे हैं टैली में, तो ये लिस्ट नॉर्मली निकल जाता है बहुत ईजीली। लेजर्स टैली करना होता है, जो भी सन्ड्री डेटर्स होते हैं और सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, उनके साथ हमेशा मेल पे जो है हम लोगों को रहना पड़ता है अप टू डेट, और लेजर्स टैली करने होते हैं एवरी मंथ। तो उस पर भी एक वीडियो आएगा इन फ्यूचर, मेल्स के रिगार्डिंग, मेल ड्राफ्टिंग वगैरह का, जो भी ऑफिशियल लाइन में होता है काम वो। तो फ़िलहाल तो ये लेजर्स टैली का होता है, डेटर्स क्रेडिटर्स का ये टैली करना होता है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है ऑफिशियल वर्क में एज ए अकाउंट असिस्टेंट के लिए। पेटी कैश वाउचर्स जो होते हैं, ये भी डे टू डे जो भी छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक
बहुत सारा ऐसा कन्वीनियंस होता है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होता है, ये सब पेटी कैश में आता है। तो ये एक एंट्रीज रोज की होती है, 3, 4, 5, 10 भी होती है समटाइम्स, डिपेंड्स ऑन योर कंपनी, कितना बड़ा कंपनी है आपका। फिर ये टीडीएस की एंट्रीज होती है एवरी मंथ, जो टीडीएस पे करते हैं। ये थोड़ा सा अगर आप कोई भी अकाउंट कोई भी कंपनी में जाते हो तो वो प्रीवियस मंथ या 2-3 मंथ पहले का एंट्रीज देख लेते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये टीडीएस एंट्रीज वगैरह कि किस पैटर्न में की गई है। तो ये इतना कुछ है नहीं, बट आपको ये डेबिट क्रेडिट का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये टीडीएस की एंट्रीज आप 2-3 महीने पहले का जाके देख सकते हो किस तरह से हुई है। तो ये भी काम होता है कंपनीज में। फिर ये रेंट बुक करना होता है, अगर आपका जो शोरूम है या गोदाउन है कोई भी एक रेंट पे है तो एवरी मंथ वो रेंट के इनवॉइस मंगाने होते हैं। मंथली एक्सपेंसेस जो भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन बिल्स, कुरियर बिल्स, तो ये सब नेसेसिटीज़ है, मतलब ये होना ही होना है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन बिल्स, कुरियर बिल्स, वाटर चार्जेस भी होते हैं हर कंपनी में, तो ये तो नेसेसिटीज़ है। अभी आते हैं मंथली, मंथली में तो पिछले में ही आ गया था, इसमें भी जैसे सैलरी हो गया, टीडीएस, जनरल एंट्रीज हो गया, तो ये सब मंथली में होता है। यहाँ नीचे देखेंगे आप तो मेकिंग सैलरी, सैलरी की एंट्रीज होती है, ये एक अकाउंट असिस्टेंट को करना पड़ता है। फिर मिसेलेनियस में ये सब आ गया, कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ पेंडिंग मटेरियल, कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ पेंडिंग सेल्स इनवॉइसेस। बहुत बार होता है कि चालान पे माल चला जाता है तो उसका ट्रैक रखना पड़ता है, 15 कुछ भी चीज़ 15 चली गई है, 2 का ही बिल हुआ है तो बाकी 13 का बनाना है बिल, तो वो सामने वाली पार्टी से कोऑर्डिनेट करके ये वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा कवर अप करना पड़ता है और ये थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ता है एक्सेल में या जैसे आपको ठीक लगे। तो ये एक चीज़ होती है जो हमेशा मेंटेन रखनी पड़ती है। दूसरा, ये मेंटेनिंग फिजिकल स्टॉक विद टैली स्टॉक, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके फिजिकल स्टॉक में कोई भी एक चीज़ पड़ी है, समझ लो टेलीविज़न 10 पड़े हैं और आपके टैली में अगर वो 12 शो हो रहे हैं तो मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। फिर क्लियरिंग द इशू ऑफ नेगेटिव स्टॉक्स, ये थोड़ा इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आ गया बट ये अकाउंट असिस्टेंट को ही करना होता है। तो ये क्लियरिंग द इशू ऑफ नेगेटिव स्टॉक या नेगेटिव स्टॉक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज़ ये बढ़ते जाता है। तो ये थोड़ा सा जैसे जैसे आप काम करोगे ये सब चीज़ें समझ में आएगी। स्टार्टिंग में तो पेमेंट रिसिप्ट एंट्रीज, बैंक एंट्रीज, पेटी कैश एंट्रीज, सेल्स बिल, परचेज बिल, यही सब चीज़ होता है। ये 4-5 चीज़ ही मेन है, ये मैं थोड़ा सा आगे का बता रहा हूँ आपको। जैसे कॉम्प्लाइंसेज में GSTR 1 हो गया, GSTR 2 हो गया, TDS हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया। ये GSTR 1 जो होता है वो सेल्स के रिलेटेड होता है, ये कुछ 10-11 तारीख का इसका डेडलाइन डेट होता है, 11 तारीख एवरी मंथ। GSTR 2 होता है 20 तारीख परचेज के लिए होता है। फिर ये TDS क्वार्टरली बहुत लोग करते हैं, ये TDS का जो भी होता है वो एवरी मंथ 7 तारीख के बाद का होता है, 7 तारीख के पहले तक करना होता है, लास्ट 7 तारीख होती है इसकी। तो बाकी ये जो लास्ट में पॉइंट लिखा है GST पोर्टल क्रॉस चेक विथ अवर सिस्टम डेटा, तो बहुत बार होता है कि GST के पोर्टल पे हमको बहुत क्रेडिट मिल गया होता है 4-5 बिल का, बट वो बिल हमारे पास आए नहीं होते, तो वो थोड़ा सा देखना ज़रूरी होता है कि पोर्टल पे दिख रहा है बट हमारे पास बिल नहीं आए, तो वो GST नंबर से निकाल के हम वो पार्टी का पता लगा के हम लोग वो पार्टी को कॉल करके वो बिल्स मंगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है अकाउंट्स में, यही सब काम होते हैं, क्लरिकल वर्क भी होता है और थोड़ा सा सिस्टम पे भी काम होता है। तो सिस्टम पे ही ज़्यादा होता है वैसे तो, बट स्टार्टिंग में जब आप जाओगे तो आपसे बहुत ज़्यादा क्लरिकल वर्क ही करवाया जाएगा, आपसे नॉर्मल पेटी कैश वाउचर्स की एंट्री कराई जाएगी, आपसे पेमेंट रिसिप्ट की एंट्रीज कराई जाएगी बैंक की, फिर आपसे फाइलिंग करवाई जाएगी, परचेज सेल्स की एंट्रीज करवाई जाएगी, बैंक रिकन्सिलिएशन करवाया जाएगा। तो मेन तो यही सब चीज़ें होती है। तो ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंट को बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना आना ही चाहिए या प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें आनी चाहिए, MIS रिपोर्ट बनाना ये आना चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत तो हर जगह पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर 2-3 लोग भी है तो एक सीनियर होता है जो हमेशा संभाल लेता है बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप एज ए अकाउंटेंट कहीं जाना चाहते हो, इंटरव्यू देना चाहते हो, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा भी घबराहट ना रखें और बिंदास जा सकते हो आप इंटरव्यू देने के लिए। स्टार्टिंग में यही सब काम होता है, नॉर्मल काम होता है, मैंने इसमें थोड़ा सा एडवांस काम भी बता दिया आपको। ये जो इन फ्यूचर आ जाता है 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपको ये सब भी देना चालू कर देंगे, तो धीरे धीरे जब मैदान में उतर जाते हो तो वो सीखने मिल ही जाता है। तो इट्स नॉट अ बिग इशू एक बार आप स्टार्ट कर देते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो
और मेरे वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।